Hello guys, today I am Mithil, your teacher as well as your friend is going to teach you chapter number 8, motion of class 9. तो बात करेंगे motion के बारे में. Motion, हम इसे पढ़ेंगे कि motion क्या है. Motion के अंदर speed के बारे में भी चर्चा करेंगे, velocity के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी units के बारे में चर्चा करेंगे, और तो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इक्वेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर मोशन. तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप उसमें ये लिखोगे कि, मैं आपको हिंदी में पहले समझाता हूँ कि जब कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तब उसे मोशन में कहते हैं. या आप बोल सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन इट्स सेड टू बी इन मोशन. या तो आप एक चीज और बोल सकते हो कि व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट इज सेड टू बी मोशन. तो मीन कोर मीनिंग ये है कि जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तब वो मोशन में कहलाई जाती है. तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्यों हुआ है. मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. मैंने राम को स्कूल के पास से जाते हुए देखा था. तो मतलब यहाँ पे स्कूल है, स्कूल है, ये राम है. तो मोशन के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि हमें कहाँ पे देखा था, तभी तो हम कह पाएंगे कि मोशन में. हमें कैसे पता चलता कि फिर कहाँ पे हमने देखा था. तो स्कूल के पास एक ए पॉइंट था, वहां से वो बी पॉइंट चला गया. तो रेफरेंस पॉइंट हुआ हमारा स्कूल. कि कैसे लगा, जहां से हम पता लगा सके कि कौन कहां पे कहां गया. ठीक है, रेफरेंस लेते हैं हम उस चीज का. तो आई होप आपको मोशन समझ में आ गया होगा. तो रेस्ट के बारे में बात करेंगे अब हम. रेस्ट क्या होता है, When a body बोलते नहीं मैं remains in same place to from a रेफरेंस पॉइंट
मतलब एक बॉडी एक जगह पे ही रहती है किसी रेफरेंस पॉइंट से। जैसे ये मेरा बोर्ड है और मैं इससे एक जगह पे ही खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ। इसमें हम रेफरेंस पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अच्छे से पता लगा सके कि क्या हुआ था। एक्चुअली मैंने बोला कि मैं एक जगह पे खड़ा रहा, कौन सी एक जगह पे खड़ा रहा, तो इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। तो आगे देखेंगे हम। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड होती है हमारी तेजी। तेजी तेज नहीं बोलता। तो स्पीड क्या होता है? जब हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, व्हेन सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन सम यूनिट टाइम देन इट इज क्लासिफाइड एज स्पीड। डेफिनेशन लिख रहे ना, जब हम कुछ दूरी तय करते हैं कुछ समय में उसे कहते हैं स्पीड। या तो आप ये भी बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब पहले मैं एक पॉइंट पे खड़ा था ए पे, फिर मैं बी पॉइंट पे आ गया, तो मेरा डिस्टेंस हुआ है कुछ ट्रेवल करा है मैंने, और वो भी कुछ टाइम में। रेट होता है जब हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसको हम स्पीड कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो स्पीड का फॉर्मूले से मैं आपको एसआई यूनिट लिखानी सिखाता हूं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड किया, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, टाइम होता सेकेंड, स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड भी पढ़ चुके हैं हम, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में करेंगे। तो अब जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज वेलोसिटी? एक चीज और बताता हूं। चलो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, खाली मैग्नीट्यूड, एंड विच डिज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट देर इज नो डायरेक्शन। तो स्पीड कैसे स्केलर क्वांटिटी है? स्पीड किसी दो पॉइंट के बीच में नहीं होती। देखो मान लो मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो मैं ये वाला रास्ता भी ले सकता हूँ, मैं ये वाला रास्ता भी ले सकता हूँ ऐसे। या तो मैं ऐसे लूंगा, या तो मैं ऐसे लूंगा, या मैं ऐसे जाऊंगा, या मैं ऐसे जाऊंगा, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। तो स्पीड में बस यही है कि हम कैसे भी जा सकते हैं कहीं भी। स्पीड स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकती है या नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है मतलब एक लाइन में चलना, जैसे ए टू बी है पॉइंट, तो सी बनाना स्ट्रेट, बिल्कुल
अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड पढ़ लिया हमने, अब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? अ स्पीड विद अ डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं, इसमें भी डेफिनेशन सेम आएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है कि वेलोसिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है, या तो हम देखो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होगा, जैसे राइट में मूव करना तो राइट में, ऊपर मूव करना तो ऊपर ही, मतलब स्ट्रेट मोशन होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी में कभी सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उसमें, ठीक है। ए टू बी में जाना है तो मेरे को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा, पर लेकिन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है स्पेसिफाइड भी है, तो वो वेलोसिटी हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, मतलब सबसे छोटा या फिर सबसे धीरे कम डिस्टेंस। मान लो ये मेरा एक हाथ है, जहां पे मेरे पास पेन का गैप है वो है पॉइंट ए, और ये जहां पे मेरे पास ये पूरा पेन है मार्कर वो है पॉइंट बी, तो इन दोनों का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। मान लो मेरे को यहां से पेन के ढक्कन को यहां पे लेके आना है मार्कर के पास, तो ये जो ढक्कन है मेरा वो मेरी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और फाइनल पोजीशन होगी मेरी मार्कर, ठीक है। दो पॉइंट के सबसे छोटा डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो एक डायरेक्शन होगा, ऐसा तो होगा नहीं, या फिर ऐसी ये भी तो डायरेक्शन है शॉर्टेस्ट, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसमें भी आ गया हमारा वो, यहां तो ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन तो बुक का ही बन जाएंगी, मेन बात है बात को समझना। तो आइए आगे भी समझते हैं, इतनी हमने बातें पढ़ ली, हम आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। मान लो मेरी पहले वेलोसिटी थी, वेलोसिटी बोल रहा स्पीड नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी थी मेरी पहले। वेलोसिटी और स्पीड की ऐसा यूनिट सेम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक तरह का डिस्टेंस होता है
और टाइम से डिवाइड होता है तो मीटर बाय सेकंड मीटर ठीक है। तो वेलोसिटी थी मान लो मेरी 3 मीटर पर सेकंड और बाद में हुई मेरी मान लो 5 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड। तो मेरी ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है कुछ टाइम के अंदर इसको एक्सेलरेशन कहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है मतलब 3 से मेरी 18 हो गई इसको जब हम समय से डिवाइड करेंगे तब एक्सेलरेशन आएगा। और हमेशा जो पहले वेलोसिटी दी होती है उसे हम इनिशियल लेंगे और जो बाद में दी होती है उसे हम फाइनल लेते हैं। फाइनल के लिए आता है हमारा वी और इनिशियल के लिए आता है हमारा यू, ये बात याद रखना। और तो एक्सेलरेशन का डिनोट करते हैं ए से। ठीक है एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी। अब इसके इसमें निकाल के भी देख लेते हैं कि कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। यहां पे आप लेट कर देना लेट द इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं लेट द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू क्योंकि हमें लेट करना पड़ता है इसमें और लेट हमेशा यू ही करेंगे ये नहीं कि वी कर देंगे ऐसा नहीं होगा। ये तभी तो लिखा है वी माइनस यू बाई टी। तो और फिर ये भी लिख देना कि वी क्या है ठीक है और टाइम के लिए स्मॉल टी आएगा हमेशा ये वाला बड़ा वाला मत लगाना गलत हो जाएगा। V होता है वी है हमारा 18 और यू हमारा 5 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने मैथ्स में कि ए बाय बी बाय सी तो ए बाय बी इंटू सी हो जाएगा ये ठीक है। ए बाय बी बाय सी हो गया तो इसमें मीटर पर सेकंड में सेकंड मल्टीप्लाई हो गया नीचे मतलब सेकंड में ही तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। फिर एक्सेलरेशन हो गया पार नहीं 3 था ये सॉरी 15 बाय 5 तो ये हो गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे आगे के टॉपिक अगली वीडियो में तब हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सीजी मास्टर माइंड क्लास को। बाय बाय।